अगर एग्जाम में फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट में बैड डेट्स और आरटीडी आया तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में अपना ये फॉर्मूला लिखना है, बैड डेट्स आरडीडी आरडीडी फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस बीच के दो एडजस्टमेंट। तो ये पहला और आखिरी कहाँ से मिलेगा, ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स कितना है, 20,000, तो मैंने भी लिख दिया 20,000। ट्रायल बैलेंस में आरडीडी कितना है, 1,000, तो मैंने भी लिख दिया 1,000, क्योंकि ये पहला और आखिरी कहाँ से मिलेगा, ट्रायल बैलेंस से। और ये बीच की दो कहाँ से मिलेंगे, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स कितना दिया है, 30,000, पर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, दो। इसलिए बैड डेट्स जो 30,000 है वो डेटर में से क्या हो गया, लेस हो गया। ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स अलग है, एडजस्टमेंट का बैड डेट्स अलग है। जो एडजस्टमेंट का बैड डेट्स है वो क्या है, फर्दर एंड बैड डेट। तो फर्दर बैड डेट डेटर में से क्या होगा, लेस, और फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, एड। तो फर्दर बैड डेट के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर एड टू फॉर्मूला। वैसे न्यू आरडीडी याद रखना, जो अमाउंट माइनस होके आया उस पे लगेगा। तो 2,70,000 का 10% कितना हुआ, 27,000, लेस फ्रॉम डेटर एड टू फॉर्मूला। याद रखना, बहुत लोग 10% 3 लाख का लेते हैं, जो आपको लेना नहीं है। फर्दर बैड डेट और न्यू आरडीडी।